वेल हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। चाहे आप नए हों, चाहे आप पहले से डिटेक्टर चला रहे हों, चाहे आप नया डिटेक्टर लेने की सोच रहे हों, ये सारी जो मैं इस वीडियो के अंदर टिप्स और ट्रिक बताने वाला हूँ, ये आपको इंडिया के अंदर कोई भी कभी भी नहीं बताएगा। और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो के अंदर जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा वो बहुत आसान है, और उन चीज़ों को आप समझ के ना, ये मान लीजिएगा कि आप 100% सक्सेस पाओगे, यानी कि 100% सफलता आप लोग पा सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ वो बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा और ध्यान से एक एक चीज़ को फॉलो कीजिएगा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात और बताना चाहता हूँ। मेरे से कई लोगों ने बोला था, पूछा था कि सर COVID-19 के चक्कर में आप वीडियो नहीं डाले हैं। कई लोगों के मैसेज भी आए थे, कई सारे फ़ोन भी आए थे जो मैं रिसीव नहीं कर पाया। तो दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं खेती के यानी कि कृषि कार्य में उलझा हुआ था। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि हमारी जो कंपनी है विश्को मेटल डिटेक्टर, वो काफ़ी सारे लोगों की राजस्थान मध्य प्रदेश दो जगहों पर मदद कर रही है। काफ़ी सारे लोगों को हम लोग खाना भी पहुंचा रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों की हम लोग मदद करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी भाई अपने आस पड़ोस में जिनको ज़रूरत है, उन ज़रूरतमंदों की आप लोग भी मदद करें। दूसरी चीज़, जो बेजुबान जानवर हैं उन लोगों के लिए भी आप भी खाना पानी का इंतज़ाम करें। भाई इतना तो हम लोग इंसानियत के नाते कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ आप लोग भी करें, जिस तरह हम लोग ये मुहिम को पूरा कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से आप लोग भी हमारा साथ दें और अपने आसपास के वातावरण में आप लोग दूसरे लोगों की भी मदद करने में पूरी तरह से सहयोग करें। आप देख सकते हैं हमारी कंपनी खाना बाकायदा बनवा के पैकेटों में रख के गरीब लोगों तक पहुंचा रही है, ठीक उसी तरह आप लोग भी कर सकते हो। दोस्तों, किसी की भी भलाई करना का मतलब ये नहीं है कि हम लोग भाई अपनी भलाई करने का सोच रहे हो। हाँ, हमारा कहने का मतलब यहाँ ये है कि भाई आप सच्चे दिल से, सच्ची भावना के साथ आप लोग भी दूसरे लोगों की मदद करें, क्योंकि ये समय ऐसा है भारत के अंदर कि मतलब अगर ये चीज़ बढ़ जाती है तो आप लोग सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये वैश्विक महामारी किस प्रकार की है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद करने के लिए आगे आएँ, अपने आस पड़ोस में मदद करना शुरू करें, अपने आसपास के गांवों में मदद करना शुरू करें। जो संपन्न है वो लोग भी करें, जो लोग संपन्न नहीं है उनकी मदद करें सबसे पहले। अगर आप संपन्न हैं तो जो लोग संपन्न नहीं है उन लोगों की मदद करें, उन तक आप पहुँचाएँ। इससे हट के आप जीव जंतुओं के लिए भी भोजन का और पानी का इंतज़ाम करें। क्यों? क्योंकि पूरा भारत लॉकडाउन के अंदर बंद है। जब बंद है तो कई सारे जीव जंतुओं को भी खाना कहीं से मिल नहीं पा रहा है, यानी कि उनका भी भोजन का जो पदार्थ है उनको मिल नहीं पा रहा है। जैसे आपने देखे होंगे रोड साइड, सड़क साइड भाई लावारिस कुत्ते वगैरह भी होते हैं, जिनको भाई जो हमारे ऊपर निर्भर होते हैं कि हमारा जो जूठा खाना फेंकेगा वो खा सकें। लेकिन आज की डेट में हम लोग में से कोई बाहर जा नहीं रहा है, तो खाना फेंकने की बात तो बहुत दूर की हो जाती है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे देश के अंदर गरीबों की, जो अगर आप संपन्न हैं पूरी तरह से, तो बाकायदा मदद करें। और विश्व परिवार हमेशा की तरह अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है, और ठीक उसी तरह से हम आज भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर अब हम शुरू करते हैं मेटल डिटेक्टिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बिगनर्स, यानी कि अगर आप बिगनर हो तो भी आपके लिए ये टिप और ट्रिक्स काम करेंगी, और अगर आप प्रो लेवल यूजर हो तो भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स काम करेंगी। इससे पहले भी मैंने टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई है जो मेरी पुरानी डली हुई है, तो वो भी आप देखना, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने टिप्स उसके अंदर बताएं। लेकिन अब जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ वो काफ़ी अलग होंगे। सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए है अवॉइड ट्रेसपासिंग, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, दूसरों की जगह में आपको कभी भी डिटेक्टर लेके नहीं जाना, बिना अनुमति किसी भी प्रॉपर्टी पे आपको नहीं पहुंचना है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो फॉरेस्ट की हो, चाहे वो पर्सनल प्रॉपर्टी हो। क्यों? क्योंकि भाई मेटल डिटेक्टिंग का कोई नियम है। नियम कैसा है कि भाई अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी पे बिना इजाजत के घुस जाते हो तो आप पे ट्रेसपासिंग एक्ट लग जाएगा, यानी कि बिना अनुमति किसी भी प्रॉपर्टी में घुस आना, उसको क्षतिग्रस्त कर देना। तो ये काम कभी नहीं करना। सबसे पहली टिप जो मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इस टिप को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना। दूसरा,
बाय द राइट डिटेक्टर, यानी कि आप अपने हिसाब से एक अच्छा डिटेक्टर चूज करें। अगर आपको देखिए, अगर आप एक प्रो लेवल डिटेक्टर यूजर हैं, मान लीजिए आप आज की डेट में, भाई जब से आप मेरे वीडियो देखते आ रहे हैं उससे बहुत कुछ सीख चुके, अब आपको लग रहा है कि मैं डिटेक्टर ऑपरेट कर सकता हूं अच्छे से, या आप पहले मीडियम लेवल ऑपरेट कर चुके, अब आप प्रो पे जाना चाहते हो, तो अपने हिसाब से जो आपको ज़रूरी है, अपना बजट देख के, अपने बजट के हिसाब से और अपना जो रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को किस डेप्थ पे काम करना है, किस जगह मेरे को कौन सी मशीन ज़्यादा पर्याप्त रहेगी, उस चीज़ को सिलेक्ट करें। अगर आप नए हैं तो आप एंट्री लेवल या मीडियम लेवल के डिटेक्टर चूज करें जो आपके बजट में आए। तो दोस्तों, दूसरी मेरी जो टिप है वो यही है कि बाय द राइट डिटेक्टर, यानी कि अपने अनुसार, अपने बजट के अनुसार और अपनी ज़रूरत के अनुसार आप अपना डिटेक्टर सिलेक्ट करें। यदि आपको फिर भी दिक्कत लगती है सिलेक्ट करने में, तो आप मेरे को संपर्क करके भी भाई मेरे से सजेशन और गाइडेंस ले सकते हैं। तीसरी टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ वो होगी, हैव द राइट किट, यानी कि जो मेटल डिटेक्टर के साथ आप किट यूज़ करने वाले हैं वो सही होना चाहिए। किस तरह से, मान लीजिए आपने एक डिटेक्टर खरीद लिया, ठीक है भाई आपने खरीद तो लिया, लेकिन उसके साथ आपको पता है कि भाई हमको एक छोटी सी चीज़ तो हमेशा रखना पड़ेगी, वो होता है डिगिंग टूल, यानी कि खोदने का औजार। या तो आप एक छोटा सा खोदने का औजार रख सकते हैं, क्योंकि हमेशा ऊपर का जो कचड़ा होता है 8 से 10 इंच का या 12 इंच पे, कई बार काफ़ी सारी चीज़ें गिरी रहती हैं, कई बार काफ़ी सारा मेटल ऊपर पड़ा रहता है, अब उसको हटाने के लिए हमको भाई एक छोटा डिगिंग टूल साथ रखना है, ठीक है। इससे हटके गहरा खोदना है तो थोड़ा बड़ा डिगिंग टूल भी हमको साथ में रखना है। इससे हटके भाई हमको पिन पॉइंटर की भी ज़रूरत होगी, कई बार टारगेट लेफ्ट राइट घूम जाता है, कि कई के डिटेक्टरों में एंट्री लेवल में आपको पिन पॉइंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, जिसके कारण आपको पिन पॉइंटर भी ज़रूरी हो जाता है। बैकपैक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर आप ये सब सामान रख सकें। इससे हट के आपको हेडफोन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप छोटे से छोटे टारगेट के सिग्नल सुन सकें। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी जो तीसरी टिप है, हैव द राइट किट, यानी कि अपने हिसाब से एक अच्छी किट बनाइए जिसकी हमको ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। चौथी जो मेरी टिप है वो है, चेक एंड डबल चेक योर गियर, यानी कि जब हमने डिटेक्टर ले लिया, जब हमने दूसरे की प्रॉपर्टी पे न जाना, भाई अपने हिसाब से ट्रेसपास नहीं कर रहे हैं, ठीक है अपनी प्रॉपर्टी पे हैं, और हमने गियर अपने सारे रख लिए हैं, अपना सारा किट पैक कर लिया है, तो उसको एक बार चेक ज़रूर करो। क्यों करो? हो सकता है आपने बैटरी ही ना रखी हो, भाई बैटरी नहीं रखोगे तो डिटेक्टर चालू कैसे करोगे, हो सकता है आप खोदने का औजार भूल गए हो, तो अपनी जो किट है उसको एक बार चेक करो और एक बार डबल चेक ज़रूर कर लो घर से निकलने से पहले। ये चीज़ पे ध्यान देना दोस्तों कि आप अपना गियर पूरा कंप्लीट करके ले जा रहे हो। अगली जो मेरी टिप है, पांचवी, नो योर डिटेक्टर, यानी कि अपनी मशीन को पहले समझो। यहाँ पे समझने से मेरा मतलब है, अगर आप बिगनर हो, अगर आप मीडियम लेवल यूज़र हो, अगर आप प्रो लेवल यूज़र हो, तो सबसे बढ़िया काम ये है भाई, आप अपनी मशीन को स्टार्ट करो, एक सूने ग्राउंड पे जाओ, यानी कि एक खाली फील्ड पे जाओ, उस जगह पे उस मशीन के सारे फंक्शनों को लगा के चेक करो। पहले ऑल मेटल पे चलाओ, फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि मेटल लोहा बंद करके चलाओ, अलग अलग जितने टारगेट आते हैं उनको खोदते जाओ, उनकी आइडियाँ देखते जाओ। तो आपने डिटेक्टर को जितना आप ऑपरेट करोगे, उतना ज़्यादा आप उस डिटेक्टर को समझ पाओगे। तो अपने डिटेक्टर को समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो हम समझेंगे कैसे? हम एक ही तरह से समझ सकते हैं भाई, हम हमारे डिटेक्टर को लेके जाएंगे बाहर ग्राउंड पे और उसको अच्छे से चलाएंगे। तो मेरी पांचवी टिप है, नो योर डिटेक्टर, यानी कि अपने डिटेक्टर को काफ़ी अच्छे से आप लोग समझे। ये चीज़ याद रखो दोस्तों, अपने डिटेक्टर को आप नहीं समझोगे, टारगेट कभी भी आप नहीं निकाल पाओगे। जितना ज़्यादा आप अपनी मशीन को समझने लगोगे, तो ये मान लीजिएगा कि आप उसको और अच्छे से ऑपरेट कर पाओगे। छठी जो मैं टिप देने वाला हूँ वो है, रोटेट योर हंटिंग ग्राउंड, यानी कि मान लो कि मैं एक ही ग्राउंड पे हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक ही खेत है, अब मैं उस खेत में सर्च कर चुका हूँ, ठीक है भाई मैंने कर लिया, या मैं बीच पे हूँ, मैंने उस बीच का कोना सर्च कर लिया है, तो रोटेट योर ग्राउंड का मतलब है उस बीच के कोने को अब मेरे को दोबारा सर्च नहीं करना, यानी कि अब मैं बार बार उसी जगह जाऊँ ये नहीं करना है, उसको रेस्ट देना। रेस्ट से मतलब है उस ग्राउंड को मेरे को साल भर तक के लिए फिर छोड़ देना है।
छोड़ने के बाद साल भर बाद में उस बीच के ग्राउंड पर दोबारा जा सकता हूँ। क्यों जा सकता हूँ? क्योंकि कई सारे सैलानी आएंगे उस जगह, नया नया सामान उनका भी गिरेगा जो मैं ढूंढ के निकाल सकता हूँ। या फिर पुरानी जैसे जगहों की हम बात करें तो मान लो हमने एक पुरानी साइट पे हंटिंग कर ली है, अब हम अगली साइट पे किसी और पे हंटिंग करने जा सकते हैं। भाई हम पुरानी पे दोबारा जाएंगे तो हमको ज़्यादातर चीज़ें हम निकाल चुके हैं, तो वही अगर खाली हो गया ग्राउंड तो मिलना तो कुछ है नहीं। इसलिए अपना ग्राउंड बदलो। रोटेट योर ग्राउंड का मतलब है आप अपनी हंटिंग जो एरिया है उसको हमेशा चेंज करते रहो। जितना ज़्यादा आप चेंज करते जाओगे उतना ज़्यादा आप पाते चले जाओगे। चलिए मेरी सातवीं जो मैं आपको टिप देने वाला हूँ वो है कैरी एक्स्ट्रा पार्ट। अब कैरी एक्स्ट्रा पार्ट का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है कि भाई कुछ चीज़ें आपके साथ ज़्यादा रखो। कुछ चीज़ें ज़्यादा आपके साथ कैसे रखो? यानी डिटेक्टर है मेरे पास, तो भाई मैंने मान लीजिए मेरे पास MX स्पोर्ट मशीन है, अब मैंने उसके साथ 10 इंच की कॉइल रखी है, लेकिन उसके साथ मैं चाहूँ तो भाई मेरी 15 इंच की कॉइल अगर घर में पड़ी है तो उसको ज़रूर रखूँ। क्यों रखूँ? एक्स्ट्रा पार्ट है उसका, अगर वो मेरे पास रहेगी और उसकी ज़रूरत लगी मुझे तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब बैटरी मान लीजिए मैं 4 घर से रख के निकला था, 4 सेल थे, एक बार के यूसेज के थे, लेकिन 4 और रख के निकलूँगा तो मैं आगे और काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट कैरी हमेशा करके रखो। कॉइल और बैटरी से ही मतलब नहीं है, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं जिनको आप रख सकते हो डिटेक्टर के साथ। यानी कि मान लीजिए हेडफोन है, भाई एक हेडफोन ख़राब हो जाता है तो एक छोटा सा जैक रख लो, एक मोबाइल का हेडफोन रख लो। यानी कि मोटा वाला एक जैक है भाई, छोटा अपना ये मोबाइल का हेडफोन भी उसमें कनेक्ट कर सकते हो। मान लो हेडफोन ख़राब हो गया तो तुरंत आप दूसरा हेडफोन लगा सकते हो, बैटरी ख़त्म हो गई तुरंत दूसरी बैटरी डाल सकते हो। तो अपनी सुविधा अनुसार अपना एक्स्ट्रा पार्ट हमेशा रखना ज़रूरी होता है। चलिए आठवीं टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ वो है नो योर लोकल एरिया। यानी कि आप जिस जगह डिटेक्टिंग करने जा रहे हैं उस एरिए की, लोकल एरिए की नॉलेज सबसे पहले निकाल लो। यानी उसके बारे में अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छे से उस जगह को निचोड़ लो, 4 बुजुर्गों से उस एरिए के बारे में पूछ लो, कहाँ क्या था, कब था, कैसा नहीं था, क्या हिस्ट्री रही थी, कैसा टाइम चला है, कौन सा पीरियड चला है इस जगह पे। अपने एरिया की एक एक डिटेल से पहले प्रैक्टिकल, यानी कि पूरी तरह से आप प्रैक्टिकल पे जाने से पहले उस एरिया की पूरी नॉलेज गेन कर लो, जिससे आपको और सहूलियत हो। तो आप ज़्यादातर उन जगहों पे खोजोगे, जब आपको एरिया की नॉलेज हो जाएगी तो आप मशीन को खाली जगहों पे घुमाने की जगह आप कई बार भरी जगहों पे ही घुमा रहे होगे। तो ये चीज़ याद रखना जो मेरी आठवीं टिप है, नो योर लोकल एरिया। अब नवी जो मैं टिप देने वाला हूँ वो है अवॉइड हंटिंग एट बिजी टाइम। यानी कि भाई आप लोग बिजी वक्त में, यानी कि जहाँ पे ग्राउंड भरा हुआ है, पब्लिक का आना जाना ज़्यादा है, उन टाइम में आप बिल्कुल मत जाओ। क्यों मत जाओ? क्योंकि हमारा भारत है, आप मशीन चलाओगे, एक जना चलाता दिखेगा 10 इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है? तो आपको इन चीज़ों की सावधानियाँ हमेशा बरतना है। यानी कि आप उस टाइम पे जाओ जब भीड़ कम होती है, जब जगह खाली होती है, जब वहाँ पे कम लोग होते हैं। क्योंकि देखिए भारत में ये चीज़ नहीं है, आज जब मैं खुद हंटिंग करता था तो मैं अकेला होता था भाई, मैं अकेला डरता भी था कई बार, क्या होगा मेरे साथ, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या नहीं बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या नहीं सोचेगा, ये सारी चीज़ें हमारे मन में चलती हैं। लेकिन आज की डेट में जब से मेरा यूट्यूब चैनल आया, आप लोग बढ़ते चले गए, कारवां बढ़ता चला गया, विश्व परिवार बड़ा होता चला गया, आज इंडिया के अंदर कम से कम अप्रोक्सीमेटली 3000 यूज़र, मतलब विश्व परिवार के ही 3000 सदस्य डिटेक्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं अकेला कर रहा था, अब आप 3000, जब मेरे साथ एक दिन रैली में हंटिंग करोगे तो भाई कोई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लोग पहले सोचते थे ना कि एक अकेला कर रहा है, 10 की भीड़ लगा लेते थे, क्या कर रहे हो क्या नहीं, जब 3000 लोगों को एक साथ देखेंगे हंटिंग करते तो कभी भी ये नहीं बोलेंगे, ये चीज़ ओपन हो जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों कि ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाले इलाकों से आपको बच के चलना है। अब जो 10वीं टिप मैं आपको देने वाला हूँ वो है आपकी रिकॉर्ड ऑल फाइंड फॉर फ्यूचर एनालिसिस। यानी इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई भी चीज़ निकाली, एक डायरी मेंटेन करना शुरू कर दो। यहाँ पे कहने का मतलब है मैंने एक नई मशीन खरीदी, मैं डिटेक्टिंग पे निकला, मेरे को भाई मैंने ऑल मेटल मोड पे मशीन चलाई, पहला टारगेट मिला लोहे का कचड़ा, कुछ भी मिला, XYZ कुछ भी मिला, ठीक है मैंने देख लिया, टारगेट पे रीडिंग आई थी, कुछ भी आई थी, 35 आई, 36 आई, 18 आई, 15 आई, जो भी आई,
वो रीडिंग मैंने डायरी पे नोट करी कि भाई 15 रीडिंग आयरन का ये चीज निकली थी, ठीक है। अब कितने इंचेस पे निकली थी उसकी डेप्थ मैंने नापी इंच टेप से कि 5 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 1 फिट, 2 फिट, 2.5 फिट, 3 फिट, जितने पे भी वो निकली थी मैंने अपनी डायरी में नोट कर ली। तो इससे होगा क्या, जब आप अलग अलग चीज का रिकॉर्ड बनाते चलोगे, जो जो चीजें आप निकालोगे, उससे आपको खुद पता लगेगा कि डिटेक्टर हर जगह एक सी डेप्थ पे नहीं जा रहा था। पहली बात, जहां जो टारगेट जितने इंच पे था वो निकला, और जहां जो टारगेट जैसा था, बड़ा था उसका साइज या छोटा था, या कितने ग्राम का था, क्या वेट था, तो ये सारी चीजें आपको बहुत आसान लगने लगेंगी समझने में और एनालिसिस करने में। तो एनालिसिस का डाटा जरूरी होता है, और जहां पे आपने जो चीज निकाली उस जगह को जरूर रिकॉर्ड करो। क्यों करो? ताकि भविष्य में आपको याद रहे कि मैं उस पुरानी साइट पे गया था, अब मेरे को लगभग 2-3 साल हो चुके, उस बीच पे मैं गया था यार, और या फिर उस लैंड पे गया था, वहां मैंने ये चीज निकाली थी, वहां बहुत लोग आते थे, अब भाई उनका कई सामान भी गिरा होगा, कई लोगों ने नया गिराया होगा, चलो एक बार फिर से चलते। तो ये एनालिसिस का जो रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए, अब जो मैं 11वीं टिप देने वाला हूँ वो होगी आपकी ओवरलैप योर स्वीप एंड सर्च पैटर्न, यानी कि जो आप कॉइल टेढ़ी आड़ी उल्टी सीधी सीधा लेके चल देते हो, ऐसा नहीं चलाना है। लेफ्ट से राइट कॉइल घूमेगी, ग्राउंड से 2 इंच ऊपर घूमेगी, और 2 इंच ऊपर उठा के लेफ्ट राइट, और ओवरलैप का मतलब होता है कि जो हमने स्विंग करी, यानी कि कॉइल एक जगह से निकाली, मान लो उल्टे हाथ से निकाली, अब सीधे पे वापस ले जा रहे हैं, तो उस लैप के ऊपर यानी जहां से कॉइल गई थी उसकी आधी कॉइल के ऊपर और चढ़ती जाए, यानी जगह 1 इंच की भी कॉइल स्वीप करते में छूटना नहीं चाहिए। तो ये 11वीं टिप है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों 12वीं जो टिप है वो सबसे बड़ी है, और ये मान लीजिएगा ये आपके बहुत काम आने वाली है। अब वो जो टिप है 12वीं, वो ये है कि बी पेशेंट, यानी कि सबर रखो। ये चीज एक ऐसी है, आपको लोग कितना भी बोल दें, या कुंटलों से है, या टनों से है, या लाखों से है, या फलाने से है, या फिर यहाँ पहले था, या फिर पहले नहीं था, या फिर मैं यार साल भर से डिटेक्टर लेके घूम रहा हूँ, मैं कब तक इस चीज को निकाल पाऊंगा, कब मेरे को सक्सेस मिलेगी, सबर करो दोस्तों। पहले एक सिक्का मिलेगा, पहले कचड़ा मिलेगा, या हो सकता है भरा ही मिल जाए, कईयों की किस्मत में भरा एकदम दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज में आप लोग सबर करके रखो, सबर करना सबसे ज्यादा जरूरी काम है। तो दोस्तों सबर बहुत ज्यादा जरूरी है, सबर सबसे बड़ी चीज है, आपको यहाँ पे करके रखनी होगी। तो दोस्तों जो मैंने आपको टिप बताई है, ये टिप आप लोगों को ध्यान रखना है, ये 12 टिपें आपके बहुत काम आने वाली हैं, ये टिप आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ये 12 टिप आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। और भी टिप मैं आपको किसी और दिन दूंगा, वीडियो में बना नहीं पा रहा था क्योंकि कृषि कार्यों में उलझा हुआ था। और यदि अब आपको मेटल डिटेक्टर खरीदना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हो, संपर्क करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे लगा आ रहा है। और भी कई सारे मेरे वीडियो आप लोग देख सकते हो चैनल के अंदर, जितने ज़्यादा वीडियो देखोगे उतनी अलग अलग इन्फॉर्मेशन अलग अलग मशीनों की मिलेगी, अलग अलग टिप्स मिलेंगी, अलग अलग उनके फंक्शनों के बारे में समझने को मिलेगा। तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको मेटल डिटेक्टर खरीदना है, कॉन्टेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर लगा आ रहा है। यदि आप गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक से हो तो आपकी स्क्रीन पे नंबर लगा आ रहा है, आप लोग हमें संपर्क कर सकते हो। लॉकडाउन खुलने के बाद भाई आप लोग हमें संपर्क कर सकते हो, अपनी अपनी मशीनें ले सकते हो। और दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों को यहाँ पे कहूंगा कि भाई COVID-19 यानी कि जो कोरोना वायरस की जो महामारी हमारे देश में फैल रही है, या विदेशों की भी बात करें, आज की डेट में अमेरिका ही 6.5 लाख लोगों से संक्रमित हो चुका है, यानी कि वहाँ पे भी स्थिति नहीं संभल रही है, इसकी कोई दवाई नहीं निकली है, ये एक लाइलाज बीमारी हो चुकी है, ये पूरी तरह से महामारी है। तो अपने घर पे रहें, जैसा कि हमारी सरकार ने आप लोगों से अनुरोध करा है, वही अनुरोध मैं आपसे करूँगा कि आप लोग भी घर पे रहें, स्वस्थ रहें, और भाई आपके स्वस्थ रहने की मैं कामना भी करता हूँ। और दूसरी बात, मदद करें, मदद के लिए आगे आएं, दूसरों की मदद करें, ये काफ़ी पुण्य का काम है। और एक ऐसे समय में जब भारत को हमारे देश को जब हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग भी अपने अपने भाई हाथ आगे बढ़ाएं। भाई अगर आप कर सकते हैं तो भाई पशु पक्षियों के लिए कर दें भोजन का पानी का इंतज़ाम, या फिर भाई आपसे जो नीचे तबके के हैं उन लोगों के लिए भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बात पर मेरी पे बहुत
ज्यादा गौर करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। क्यों कर लेना? क्योंकि 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पे मैं किन्हीं 5 लोगों को मेटल डिटेक्टर देने वाला हूँ। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को कर लो दोस्तों सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय।